हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और ये मेरा नया व्लॉग देखने को मिलने वाला है जिसमें कि किचन के आदमी लेके जा रहे हैं अपने ससुराल से। हम गलत आ गए, आई थिंक गलत आ गए गाइस। हमें ये वाला कट लेना था और हमने गलत ले लिया। ये तो दिक्कत ही कर रही है ये वाली मैट। है ना, कोई सलूशन नहीं है इसका। फिर ये थोड़े दिन में अपने आप क्लोज हो जाएगी। और वाओ, हमारी साइड देखो इतने अच्छे रोड बन चुके हैं। कितने देखे थे गाइस, अरे क्यों अरे नहीं लग रहे, बट इनमें पता नहीं क्या उगा रखा है ना। सच में ये अच्छे है यार। दाल है, दाल दाल नहीं उगाते हमारे साइड। लग तो दाल ही रही है। नहीं, अभी विंटर का सीजन आएगा ना, तो हो सकते है गेहूं वगैरह हो। गेहूं क्यों? और ये हमारे हनुमान जी गाइस, गाड़ी का भी हम एक्सप्लेन करने वाले रिव्यू वगैरह, बट अभी हम सोच रहे थे कि कुछ टाइम इसे चलाएं उसके बाद वो करें इसकी क्या एवरेज है, इसमें क्या अच्छाई है और अगर इसकी बुराई है तो वो भी एक्सप्लेन कर दे। आपने शिव जी भगवान में बिठा दिए, देखो वाह। ये पीछे क्या रखा हुआ है? पीछे इसके शोरूम से जाके लगवा के लेके आए थे आप क्या ये? हाँ, नहीं हमारे साइड की मिट्टी जो है ना वो रेड कलर की है ना, रेतीली मिट्टी बोलते हैं उसको। नहीं, बहुत अच्छी मिट्टी है। और ये भट्टा पता नहीं किसका है, ईंटों का है। मैं ये बोलूं पता नहीं किसका है, ओनर के बारे में। ये मेरे साइड का वो है गाइस, जहाँ पे मेरे गाँव है, घर है, खेत है। कैसा लगा किशन जी आपको अपने ससुराल आके? अच्छा, अच्छा नहीं लगा बस। और नलिन से मिलके कैसा लगा? अच्छा अच्छा, छोटा बेबी, पता नहीं उसके लूज मोशन कब रुकेंगे। और वो पहाड़ी पे एक मंदिर है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं गाइस, बट अच्छा लग रहा है हमें। आई थिंक कितने टाइम लग जाएगा हमें? 3 घंटे। अभी हमें 3 घंटे लगेंगे गुड़गांव पहुंचने में। और यहाँ से तो घर चले तो 3 घंटे नहीं, उस रोड से इतना टाइम थोड़ी लगेगा। वो जो उधर है वो तो गया। जो हाईवेज बने हुए ना गाइस, ये देखो व्यू कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है पूरी रोड मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी। इधर तो भी फोटोज की शूटिंग है ना, रोड मूवी की। रोड कौन सी मूवी थी? एक मूवी जिसका नाम रोड था, जिसमें रोड ही रोड पे सीन है। देखो सारे, अच्छा लग रहा है। ये ना मैं सबको दिखाने वाली हूँ कि हमारे साइड की मिट्टी ऐसी है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल, हमें जाना है रेवाड़ी, 57 किलोमीटर है। महेंद्रगढ़ जाना है तो यहाँ से और चल जाओगे घर? क्या टाइम हुआ है? और फिर कल सुबह फिर भागेंगे है ना। हम घर तो चले जाएंगे गाइस, लेकिन फिर कल सुबह ऑफिस होगा ना, तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा सुबह सुबह ही, इसलिए हम घर सैटरडे को ही जाते हैं। आप लोग स्पीड देख सकते हो, गाड़ी की स्पीड पे चल रही है। कितनी पे चल रही है? 90। लेकिन लग नहीं रहा कि 90 पे चल रही है। ये वाला व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाला, मतलब उस दूर तक रोड दिख रहा है किरण। और एवरेज क्या दिखा रही है? 18.5। बट आई थिंक फर्स्ट सर्विस होने के बाद इंक्रीज हो जाएगी गाइस, ये नहीं इंक्रीज होगी। और ये भी एक सही मॉडल है, काफी सारे फीचर्स हैं इसमें वैसे तो अच्छे।
अच्छे अच्छे, बट जिस दिन गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उस दिन मैं आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है खेत इतने खाली क्यों है इधर के सारे, क्या भी कुछ उगाने वाले हैं इनमें? ये देखो गाइस, मुझे नहीं पता भाई, इधर पे सारे ही खाली हैं। लेकिन हमारे साइड ये एक चीज अच्छी है कि हमारे साइड पहाड़ बहुत है, बहुत ज्यादा पहाड़ है हमारी तरफ। और गाइस जो मैंने गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो डाली थी ना, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज कर रखे हैं, तो आप सबका धन्यवाद। चल चलना है घर? नहीं, वो हाईवे आ गया, कल सुबह फिर आना पड़ेगा। हाईवे आ गया वो बड़ा, वो तो ठीक है, कल सुबह फिर आना पड़ेगा। जो उधर बड़ा हाईवे है ना वो, ये अगर चलना है तो बता। गाइस अगर ससुराल जाना है ना मुझे अपने, तो ये वाला हाईवे आ गया। अभी तो गुड़गांव ही चलते हैं कि जब तक वहां पे पहुंचेंगे ना, फिर कल सुबह फिर आना पड़ेगा। तो गाइस नहीं, गांव में रुक के तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं टाइम लगेगा तो ढाई घंटे आई थिंक, दो घंटे, तो फिर आधा घंटा गुड़गांव में पहुंच जाएंगे। चलो चलो सीधा ही चलो, ये ससुराल का एक गुड़गांव। मुझे तो लग रहा है कि तेरा मन कर रहा है गांव की तरफ ले लूं, है ना? ले लो तो। ये है ना कि भाई गाइस हमने चेंज कर दिया, सरपंच होगा वो भी देखे पता चल जाएगा। हम लोग अब ससुराल जा रहे हैं क्योंकि हमारे पति देव का मन है कि ससुराल चले। चलो तो भाई, बैग गिर में पिकअप गाड़ी कुछ पड़ा होगा। ऐसा साउंड क्यों आ रहा है? हमने चेंज कर दिया गाइस, मतलब वो गुड़गांव के लिए था वो रास्ता, और ये मेरे ससुराल के लिए है, और जो तीसरा रास्ता जिससे हम आए हैं वो किशन जी के ससुराल से है। तो मैंने हम लोगों ने मेरा जो ससुराल का रास्ता है वो वाला चूज कर लिया। दोबारा भूख लगे, मैं सुबह से भूख लगा। ओके। तो मैंने शर्म के मारे वहाँ ज्यादा रोटी नहीं खाई। अच्छा ना, मैं बोलूँगा ऐसा चीज दो है ये कम रोटियाँ खाता है जानबूझ के, है ना? नहीं सुबह से ये देखो किसी वो पोल वाला वो था क्या, उसमें टेलीफोन भी दे रखा है। टेलीफोन दे रखा है। इस एक्चुअली सी में का नाम क्या है? नाम चंडीगढ़ जयपुर हाईवे, चंडीगढ़ जयपुर हाईवे पे अभी गाइस हम चल रहे हैं। जयपुर? हां जयपुर भी आता है आगे, जयपुर का इतना पागल ही है। अच्छा यानी हरियाणा से चंडीगढ़ जाता है? ये स्टार्ट कहां से हुआ? कौन सा ये हाईवे पीछे से आ रहा है? ना नोनी उससे भी पीछे से, उससे पीछे पता चलेगा गाइस आपकी नानो से रोहतक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। वैसे रोहतक कितना टाइम लगता है? ऐसा रोड देख के ना मेरा मन कर रहा है चलाने का, लेकिन इसको मैंने कभी ड्राइव नहीं किया तो कुछ नहीं कह सकते कि मैं चला पाऊंगी या नहीं। चलो ठीक है गाइस, अच्छा जैसे कि कुछ नहीं,
यहाँ पे रुक गए गाइस, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, काफी देर हो गई थी ट्रेवल करते हुए, काफी डेढ़ घंटा नहीं हो लिया, काफी देर हो गई थी, पता नहीं यार मैं तो थक गई हूँ। मित्रा मित्रा ढाबा मान लिया, वो वैसी वाली माजा नहीं मिली इनके पास जिसमें आम का रस दिखाते हैं। अब हम ये खाते हैं गाइस, फिर निकलेंगे यहाँ से। अब तो पहुंच गए गाइस हम लोग रोहतक, यहाँ से अराउंड 10 मिनट लगेंगे घर तक जाते हुए। कहाँ जाते जाते रुड़की पागल है तो आधा घंटा यहाँ से भी। हाँ रोहतक गाइस उरला हिस्सा है यो सारा, रोहतक सिटी क्रॉस करके सीधा पुरले हिस्से पे जाना है। अच्छा 20 किलोमीटर की रोहतक सिटी सिटी है पूरी। तो हमें 2 घंटे लग गए ना, 5 बज गए, 2 घंटे लग गए गाइस हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने, यानी 2.5 घंटे आप मान के चलो। तो आज के लिए व्लॉग इतना ही, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल का, ठीक है, थैंक यू।